दोस्तों नमस्ते। एक फिर एक बार अपन एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होने जा रहा हूँ। ये टॉपिक नहीं है, एक प्रकार से मान के चलेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मा माना जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं पूरे मनोविज्ञान में, जैसे जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, सिगमंड फ्राइड, आईपी पालो, मतलब व्यक्तित्व विशेष के रूप में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको जरूर बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो मैं 5 से 7 व्यक्तियों को हमेशा क्लास में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये आपको बहुत अच्छे समझने हैं, जिसमें सिगमंड फ्राइड आता है, जिसमें आपका जीन पियाजे आता है, जिसमें वाइगोत्स्की आता है, जिसमें अल्बर्ट बांडूरा आता है, जिसमें आईपी पालो आता है, जिसमें वाटसन आता है, जिसमें विलियम मैकडूगल आता है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और अमूमन हर एग्जाम के पैटर्न में यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और सिगमंड फ्राइड का जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद, जिसको अपन क्लासिकल मनोविश्लेषणवाद, देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक मनोविश्लेषणवाद आता है और एक आधुनिक मनोविश्लेषणवाद आता है, एक क्लासिकल मनोविश्लेषणवाद आता है। तो शुरुआत में केवल मनोविश्लेषणवाद था, लेकिन जो सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे, जैसे कार्ल यूंग था, एडलर था, ठीक है, केरोन हार्नी थी, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, अन्ना फ्राइड जिनकी खुद की बेटी थी, इन्होंने जो नई चीज़ें जोड़ी, जो उन्होंने सामाजिक कारकों पर बल दिया, उससे वो बन गया नव मनोविश्लेषणवाद, आधुनिक मनोविश्लेषणवाद। और जो फ्राइड का दर्शन कर बन गया, वो बन गया क्लासिकी मनोविश्लेषणवाद। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी, क्या बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद को इंग्लिश में, साइको एनालिटिकल थ्योरी किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, साइको एनालिटिकल या मनोविश्लेषणवाद शब्द जब भी आता है तो आपके जहन में क्या आएगा, सिगमंड फ्राइड आएगा, याद रखना। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या समझनी है, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद का मतलब क्या है, सिगमंड फ्राइड का वह एक प्रकार से संप्रदाय था जिसकी स्थापना पहली बार, जितने भी संप्रदाय हम शिक्षा मनोविज्ञान जो टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे वो व्यवहारवाद पढ़ें, चाहे वो गेस्टाल्टवाद पढ़ें, चाहे वो संरचनावाद पढ़ें, चाहे प्रकारीवाद पढ़ें, सबकी स्थापना विश्वविद्यालय परिसर में हुई थी। एकमात्र ऐसा संप्रदाय था जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय परिसर में ना होके नैदानिक परिसर में हुई, ठीक है ना। तो ये नव मनोविश्लेषणवाद कहलाता है और इसको मनोविज्ञान का प्रथम बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम बल, इसके महत्व की वजह से, ठीक है, इसकी उपयोगिता और इसके प्रभावित करने के दृष्टिकोण से, तो इसको मनोविश्लेषणवाद को प्रथम बल कहा जाता है। तो किसका दर्शन हो गया, एक प्रकार से किसका मनोविज्ञान हो गया, ये फ्राइड का हो गया साहब, किसका हो गया, ये फ्राइड का हो गया, ठीक है, इसको प्रथम बल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम बल भी इसे कहा जाता है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब देखिए, मनोविश्लेषणवाद को एक सामान्य सिद्धांत नहीं है जिसको अपन चुटकियों में पढ़ लें, सीमित समय में पढ़ लें, बहुत व्यापक सिद्धांत है। इसकी व्यापकता के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता है, कि एक चीज़ को हमें समझना पड़ता है। तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं मनोविश्लेषणवाद के। तो सिंपली अर्थ में आपको सबसे पहले क्या समझना है, मनोविश्लेषणवाद मतलब सिगमंड फ्राइड, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, विश्वविद्यालय के में परिसर में ना होकर नैदानिक परिसर में हुई, इसको प्रथम बल कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन दो किताबें बहुत लोकप्रिय, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किताब, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब में डाल रखा है मैंने, हर चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें किताब तो आपको देखनी ही देखनी, याद रखना, वो तो रामबाण है किताब, तो याद रखना, जो अपनी वस्तुनिष्ठ किताब है प्लस सब्जेक्टिव किताब है, दोनों किताबें आपके पास हर समय होनी चाहिए, याद रखना, यदि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मेरे से स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम एक इनकी बहुत अच्छी किताब थी, और दूसरी जो इनकी किताब थी वो थी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, जिसमें उन्होंने प्रतिदिन के व्यवहार की व्याख्या की है, विभिन्न मानसिक बीमारियों रोगों की चर्चा इन्होंने की है। तो इन्होंने दो किताब लिखी थी, किताब के ऊपर अमूमन कभी भी प्रश्न नहीं आता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किताब इसकी है और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ ये किताब भी किसकी है, फ्राइड की है। तो ये मैं अलग से किताबों की एक चर्चा करूँगा, किताबों का एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाऊँगा कि कौन सी किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अलग अलग लेखकों की। पूरे मनोविज्ञान में आप इन किताबों को जरूर पढ़ के जाएं, तो उनको पढ़ लोगे तो बहुत है, वो अपने अलग से एक छोटा सा वीडियो अलग से रखेंगे, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद फ्राइड, इसको प्रथम बल कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ें होगी। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ इन्होंने किताब लिखी, किताब में मैंने डाल रखा है पूरा का पूरा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम भी किताब इन्होंने लिखी है। आप देखिए, समझिए, जब भी आप मनोविश्लेषणवाद पढ़ते हैं तो मनोविश्लेषणवाद में 3 प्रकार से पढ़ते हैं अपन। एक पढ़ते हैं अपन व्यक्तित्व की संरचना वाला मॉडल,
एक पढ़ते हैं व्यक्तित्व की गति की मॉडल और एक पढ़ते हैं अपन व्यक्तित्व का मनोलैंगिक विकास। तो मनोलैंगिक विकास बाल विकास का पार्ट है, स्पेशली मनोलैंगिक विकास किसका पार्ट है? बाल विकास का, ठीक है। व्यक्तित्व की संरचना और व्यक्तित्व की जो गति की पार्ट है वो स्पेशली व्यक्तित्व टॉपिक के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं, और मैं फ्रायड हमेशा पर्सनैलिटी टॉपिक के अंतर्गत ही कंप्लीटली समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं मनोविश्लेषणवाद, तो दो चीज़ें रूप में पढ़नी है आपको। सबसे पहले इन्होंने देखिए तीन बातें बताई हैं, पूरे मनोविश्लेषणवाद को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। व्यक्तित्व की संरचना, पहला पार्ट क्या आता है? व्यक्तित्व की संरचना आता है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। दूसरा पार्ट मैंने बताया कि व्यक्तित्व की गति की, व्यक्तित्व की गति की पार्ट आता है, जिसमें इसने मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिसमें इसने चिंताओं के प्रकार बताए हैं, जिसमें इसने रक्षात्मक तंत्र की व्याख्या की, विभिन्न प्रकार की जो रक्षात्मक युक्तियां होती हैं समायोजन में अपन पढ़ते हैं उनकी व्याख्या की है। और तीसरा पार्ट इसने बताया है मनोलैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास का मतलब क्या है कि जो बच्चे में काम प्रवृत्ति का विकास होता है वो पांच अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, उन पांच अवस्थाओं के माध्यम से कैसे कैसे बच्चे में काम प्रवृत्ति का विकास होता है, इसकी पूरी व्याख्या इसने किसमें की है? मनोलैंगिक विकास। तो सबसे पहले माइंड में क्या इमेज बनानी है, सिगमंड फ्राइड कौन है? वियना के एक प्रकार से मनोचिकित्सक थे। क्या थे? वियना के मनोचिकित्सक, जिन्होंने संप्रदाय दिया मनोविश्लेषणवाद। इसकी स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में। कब हुई इसकी स्थापना? 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसकी स्थापना विश्वविद्यालय में ना होकर नैदानिक परिसर में हुई। इसको मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। क्लासिकल मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिटिकल, ठीक है, क्लासिकल मनोविश्लेषणवाद भी इसी को कहा जाता है, याद रखना, किसके? फ्रायड के सिद्धांत को। व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत भी किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद, यानी फ्रायड के सिद्धांत को। व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत भी किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद को। हम जब इसको पढ़ते हैं मनोविश्लेषणवाद को, तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की गति की और मनोलैंगिक विकास। तीनों पार्ट के रूप में आपको इस टॉपिक को समझना होता है। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ व्यक्तित्व की संरचना वाला पार्ट, और संरचना में आज केवल अपन मैं आकारात्मक मॉडल आपको समझा रहा हूँ, तो इसको समझिएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तीन पार्ट के रूप में पढ़ेंगे, प्रथम बल इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये इनकी किताब के नाम है, ठीक है। मनोविश्लेषणवाद प्रथम बल इसको कहा जाता है, तीन पार्ट में इसको अपन लोग पढ़ते हैं। देखिए आगे, व्यक्तित्व की जो संरचना शब्द आप देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ जो आप संरचना देख रहे हैं ना, संरचना, ये संरचना शब्द मैंने बोला, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो संरचना को अपन दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक आता है आकारात्मक मॉडल। कौन सा मॉडल आता है? आकारात्मक मॉडल आता है, और एक आता है इसका गत्यात्मक मॉडल या संरचनात्मक मॉडल, गत्यात्मक, ठीक है। इसको आकारात्मक मॉडल को अपन टोपोग्राफिकल बोलते हैं इंग्लिश में, और गत्यात्मक को डायनेमिक मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये टोपोग्राफिकल मॉडल क्या है और ये डायनेमिक मॉडल क्या है, दोनों को बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे समझना है। मैंने कहा कि मैं कितना भी पढ़ा सकता हूँ, किसी भी टॉपिक को हम कितना भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको नहीं चाहूँगा कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको इतना बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, क्योंकि किताब में मैंने सब कुछ लिख रखा है, तो वो आप ज़रूर देखना, याद रखना। यहाँ मैं केवल आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं ऐसे पढ़ के जाऊँ कि मेरे समझ में आ गया कि ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। ये चीज़ें आपको मेरा समझाने का उद्देश्य है, बाकी अनावश्यक ऐसे नहीं कि मैं पता नहीं अनर्गल पता नहीं क्या क्या आपको मैटर दे दूँ और आपके दिमाग में कचरा खूब सारा घुस जाए और आपको समझ में नहीं आए कि ये सब कुछ पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य अलग चलेगा, ठीक है। तो यहाँ व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना मनोविश्लेषणवाद का पहला ए पार्ट है। इसके दो पार्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन? आकारात्मक मॉडल पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? गत्यात्मक मॉडल। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आकारात्मक मॉडल क्या है ये आपको समझना है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? आकारात्मक मॉडल। तो अभी मैं क्या करवा रहा हूँ आपको? आकारात्मक मॉडल आपको करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको देखिए, आकारात्मक मॉडल को आप, ठीक है, पहला पार्ट, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद हम पढ़ रहे हैं, और मनोविश्लेषणवाद में हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व की संरचना, और संरचना में आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आकारात्मक मॉडल, टोपोग्राफिकल मॉडल, ठीक है, आकारात्मक मॉडल, आकारात्मक मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आकारात्मक मॉडल की जब भी आप बात करेंगे, याद रखना, आकारात्मक मॉडल का मन है, यहाँ मन का स्वरूप बताया गया है कि हमारा जो मन है उसके तीन प्रकार कौन से, सिगमंड फ्रायड ने बताए, ये तीनों आपको समझना है। तो मन के इसने तीन प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं मन के?
तीन प्रकार बताए, इन तीनों को समझना है। कौन कौन से बताए हैं? एक मन होता है हमारा चेतन, कॉन्सियस, ठीक है। एक होता है हमारा अर्धचेतन, ठीक है, अर्धचेतन, जिसको आप प्री कॉन्सियस बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है आपका अचेतन, अनकॉन्सियस, ठीक है, अनकॉन्सियस बोल दो, इसको पीसी बोल दो, प्री कॉन्सियस, और इसको केवल सी कॉन्सियस बोल दो, ठीक है। तो देखिए, समझिए आप इसको। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवाद में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? आकारात्म मॉडल। आकारात्म मॉडल मैंने क्या कहा कि मन के तीन प्रकार हम समझ रहे हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कॉन्सियस, प्री कॉन्सियस और अनकॉन्सियस, ठीक है, सी, पीसी और यूसी, ठीक है। ये आपको थोड़ा शॉर्ट में आपको याद रखना है। अब मैं इन तीनों की चर्चा करूंगा, नॉर्मली आपको समझा दूं। चेतन क्या है, नॉर्मली समझना, चेतन क्या है, जिसका संबंध वर्तमान से है। आप फिलहाल मुझे देख पा रहे हैं, मेरी बात सुन पा रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, जो मैं सूचनाएं बोल रहा हूं ये आपका कॉन्शियस माइंड है। आपने मेरे जो भी बातें मैंने आपको बोली है कॉन्शियस माइंड है, लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है कि आपका जैसे मेरे से ध्यान हटता है, जैसे आपका मेरे से ध्यान हटा और वो सूचनाएं जो आपने मेरे से ली थी वो कहाँ चली जाएंगी? वो प्री कॉन्शियस में, यानी कि सब कॉन्शियस में, यानी कि अवचेतन में। इसको अर्धचेतन को अवचेतन भी कह सकते हैं आप, तो अर्धचेतन मन में चले जाएंगे। जैसे आपका मेरे से ध्यान हटा, वर्तमान से जैसे ध्यान हटता है, वो सूचनाएं कहाँ जाती हैं? अर्धचेतन मन में, ठीक है। और अर्धचेतन मन में यदि वो सुदृढ़ हो जाती हैं, तो सुदृढ़ होकर वो अचेतन मन में स्थिर हो जाती हैं। और अचेतन मन और अर्धचेतन मन हमारे व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। अचेतन मन में जो शिक्षा चली जाती है वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए सबसे पावरफुल जो सिगमंड फ्रायड ने माना था वो किसको माना था? अर्धचेतन को और अचेतन को। देखिए, अर्धचेतन और अचेतन के स्वरूप को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। फ्राइड ने मन के मुख्य रूप से दो ही प्रकार बताए थे, चेतन और अचेतन। अर्धचेतन एक प्रकार से अचेतन का पहले वाला पार्ट है, यानी अर्धचेतन और अचेतन वैसे तो तीनों कड़ियां हैं ये, लेकिन अर्धचेतन एक प्रकार से अचेतन का ही पूर्व पार्ट है, ठीक है। तो कई बार एक शब्द आता है, कई बार अपन मोटिवेशनल जो वीडियो देखते हैं उनमें आता है अवचेतन मन की शक्तियाँ, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ, ठीक है। तो वो दोनों ये मिल जाते हैं वहाँ पे, और ये हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व को फ्राइड ने बताए तीनों है। लेकिन फ्राइड ये कहता है कि आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो हमारा इससे होता है, इन दोनों से, अर्धचेतन और अचेतन से। अब समझिए, जैसे कहा ना मैंने, आपका मेरे पे ध्यान है तो आप चेतन मन में हैं, केवल आपका मेरे ऊपर ध्यान आ रहा है, चेतन मन है। लेकिन जैसे आपसे मेरा ध्यान हटा तो वो सूचनाएं कहाँ चली गई? अर्धचेतन मन में। अब चेतन मन तो वो मन है जिसमें आपको प्रयास नहीं करना पड़ता कोई भी चीज़ को याद करने के लिए। कोई भी चीज़ को याद करने के लिए क्या नहीं करना पड़ता? प्रयास नहीं करना पड़ता, वो चीज़ें आपके रहती हैं। और प्रयास जब करते हो और प्रयास करने पे वो सूचनाएं वापस चेतन मन में आ जाएंगी, इसका मतलब आपका कौन सा मन है? वो अर्धचेतन मन है। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें आप रख के भूल जाते हो, और वो चाबी कहाँ गई याद ही नहीं आ रहा, यार वो मेरी किताब कहाँ गई, मैंने किसको दी थी, और आप याद करते हैं। और कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि अपन कोई चीज़ दे के भूल जाते हैं, रख कर भूल जाते हैं, वो हमारा अर्धचेतन मन होता है। और अचेतन मन क्या होता है? जिन इच्छाओं की हम पूर्ति नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी हमारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी हमारी डिजायर्स हैं, सबकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती लाइफ में। तो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनको हम दमित करते हैं, दबाते हैं, रिप्रेशन करते हैं, सरप्रेशन करते हैं। वो जितनी भी इच्छाएं अपन दबाते हैं वो सब इच्छाएं गलत होती हैं, वो सब इच्छाएं कामुक होती हैं, वो सब इच्छाएं अनैतिक होती हैं, वो सब इच्छाएं असामाजिक होती हैं। तो उन सब इच्छाओं को अपन दबा के कहाँ भेज देते हैं? वो अपन अचेतन मन में भेज देते हैं। तो वो अचेतन मन में चली जाती हैं, लेकिन हमारे व्यवहार को समय समय पर वो प्रेरित करते हैं, जागृत वापस आने की कोशिश करते हैं। इससे हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होता है। तो नॉर्मली समझ में आया चेतन क्या है, अर्धचेतन क्या और अचेतन क्या है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है चेतन क्या है, अर्धचेतन क्या, अचेतन क्या है? चेतन कॉन्सियस, चेतन का संबंध किससे है? वर्तमान से है। इसका संबंध किससे हो गया? वर्तमान से, ठीक है। समझ लीजिए एक बार दोबारा, चेतन का संबंध वर्तमान से है, जो प्रेजेंट से बिलोंग करता है, वर्तमान से जो बिलोंग करता है वो हमारा कौन सा मन है? चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है। आप कोई भी चीज़ सीखते हो, मतलब हमारा चेतन मन क्या करता है कि जितने भी कार्य होते हैं वो चेतन में करते हैं, प्रत्यक्षीकरण द्वारा हम जो भी देख रहे हैं वो चेतन मन देख रहे हैं। हमारी आंखें खुली हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है लगभग, ठीक है। आप गाड़ी सीख रहे हो, आप क्या सीख रहे हो? गाड़ी सीख रहे हो, तो आपको पता नहीं है गाड़ी में ग्रेक चेंज कैसे होते हैं, ब्रेक कैसे लगते हैं, स्टेयरिंग कैसे, तो आप बड़े कॉन्शियस रहते हैं, यार मुझे सीखना है, ध्यान भटक नहीं जाए। तो आपका पूरा माइंड कॉन्शियस काम कर रहा है, ठीक है। आपने जैसे ही गाड़ी को सीख लिया,
एक महीना दो महीना जिस गाड़ी को आपने सीख लिया, उस सीखने के बाद क्या आपको ऐसा देखना पड़ता है कि ब्रेक कहाँ पे, गियर कहाँ पे, स्टीयरिंग कहाँ पे, देखते हो क्या? नहीं, आप फाटक खोलते हो, बैठते हो और आपका हाथ अपने आप गियर पे जाता है और गियर आगे पीछे अपने आप जैसे आपने कोई चीज़ को देखा ब्रेक पे अपने आप बैठ जाएगा। ये आपका अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। कौन सा माइंड काम कर रहा है? सबकॉन्शियस, मतलब कि सीखा था तब चेतन था, लेकिन जब वो चीज़ स्थायी बन जाती है वो जाती है सबकॉन्शियस में, अर्धचेतन अचेतन में, और फिर वो आपको डील करती है अपने आप। हम मोबाइल पे बात करते हुए गाड़ी चला लेते हैं जबकि चेतन में हिस्सा नहीं होता है, वो अर्धचेतन अवचेतन करवा रहा है, याद रखना। तो ये पावरफुल चीज़ें हैं। मैं कई बार कहता हूँ ना कि आपके चेतन मन को आप जैसा एक्शन करोगे, आप जैसी प्रोग्रामिंग करोगे आपके अवचेतन की, आपका व्यवहार वैसा ही बन जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचो। यदि आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया बचपन से, घर वाले होते ना कई बार कहते हैं तेरे से नहीं होगा, तू कभी कंपटीशन क्रिएट नहीं कर सकता, तेरे से कभी नहीं हो सकता। अब वो चेतन मन में आप वो चीज़ सुन रहे हो, अब वो चेतन मन से वो चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? अचेतन मन में। अब अचेतन मन में चली गई तो जिंदगी भर आपको लगेगा मेरे से नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा सिग्नल जो प्राप्त करो हमेशा पॉजिटिव प्राप्त करो, क्योंकि पॉजिटिव सिग्नल आपने प्राप्त कर लिए तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अवचेतन मन में, आपके अचेतन मन में जब चले जाते हैं तो आपको हमेशा वो कहेंगे तू कर सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबसे पावरफुल जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? अवचेतन को, अचेतन मन को माना जाता है। तो चेतन मन का संबंध किससे है? वर्तमान तथा वास्तविकता से। किससे है? वर्तमान तथा वास्तविकता, रियलिटी से है। ठीक है, ये कुल मन का कितना भाग होता है? 10%। केवल हम कॉन्शियस स्थिति में केवल 10% हमारे माइंड का केवल 10% भाग क्या है? चेतन मन है। जितनी भी हमारी सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक इच्छाएं व्यक्तिगत इच्छाएं, ठीक है ना, तो सामाजिक इच्छाएं मान लो, चाहे वो सांस्कृतिक इच्छाएं मान लो आप, ठीक है, चाहे हमारी नैतिक इच्छाएं मान लो, उन सब का संबंध किससे होता है? उन सब का संबंध किससे होता है? हमारे कॉन्शियस माइंड से। सामाजिक आदर्शों का, नैतिक आदर्शों का, सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तिगत इच्छाएं, ये सब हमारे कौन से माइंड में होती हैं? चेतन माइंड में होती हैं। ठीक है, और ये मन ऐसा होता है जिसमें हर समय कोई भी सूचना को अपन चेतन मन मतलब याद नहीं करना पड़ता। जिन सूचनाओं को हमें याद नहीं करना पड़ता उस सूचनाएँ कहाँ रहती हैं? चेतन मन। तो समझ में आ गया, कुल मन का 10% भाग है, इसका संबंध वर्तमान तथा वास्तविकता से होता है। ठीक है, ये सामाजिक सांस्कृतिक और नैतिक जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनका संबंध किससे होता है? हमारा कॉन्शियस माइंड से होता है। हमारी इच्छा शक्ति जो भी होती है, आप देखिए विल पावर जो भी आपका होता है, इच्छा शक्ति आपकी जो भी होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? वो चेतन मन से। इच्छा शक्ति अचेतन में नहीं होगी, इच्छा शक्ति चेतन मन में हुई लेकिन आपने उसको इतना मजबूत बना लिया तो अवचेतन में चली जाएगी। ठीक है, तो इच्छा शक्ति कहाँ होती है? चेतन मन में। ठीक है, आप जो भी प्लान बनाते हो वो प्लान कहाँ से बनते हैं? योजना कहाँ से बनती है? चेतन मन से बनती है। आप जो भी एक्शन लेते हो कि कोई कार्य करना है तो एक्शन भी कहाँ से होता है? चेतन मन से। इच्छा शक्ति यहाँ पे है, ठीक है, प्लान यहाँ से है, एक्शन से यहाँ से है, आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों में रहती है वैसे। ठीक है, स्पेशली संवेदी स्मृति का संबंध चेतन मन से होता है, जो चीज़ आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। ठीक है, तो इच्छा शक्ति आपकी यहाँ पे आ गई, प्लानिंग आपकी यहाँ पे आ गई, एक्शन यहाँ पे आ गया, वर्तमान यहाँ पे आ गई, वास्तविकता से इसका संबंध आ गया, वो सब आपका कौन सा मन है? चेतन मन। तो समझ में आ रहा, चेतन मन कुल मन का 10% भाग। हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, सबसे पहले वो चेतन मन है। ठीक है, इसका संबंध हमारा सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक इच्छाओं से होता है। ठीक है, ये प्लान बनाता है, एक्शन लेता है, सिग्नल भेजता है कैसे क्या करना है। ठीक है, इच्छा शक्ति का संबंध इससे है, किससे? चेतन मन से। ठीक है, तो ये पहला मन हो गया हमारा चेतन। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको नॉर्मली समझ में आ गया होगा। सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि समुद्र में बर्फ का टुकड़ा, एक हिम सेल तैर रहा है, उसका जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वो चेतन है, और जो दिखता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो दिखता है वो सबसे छोटा पार्ट होता है, याद रखना। जो नहीं दिखता वो बड़ा गहराई वाला मन होता है, वो हमारा अचेतन मन होता है। तो ये कॉन्शियस माइंड हो गया। कौन सा माइंड हो गया? ये कॉन्शियस माइंड हो गया। अब देखिए आगे चेतन मन के बाद, चेतन मन के बाद मैं चर्चा कर रहा हूँ दो नंबर पे अर्धचेतन मन। ठीक है, ये दो नंबर पे हमारा कौन सा मन आता है? अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या है साहब? प्री कॉन्शियस क्या है? इसको आप अवचेतन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? अवचेतन भी कह सकते हैं। पीसी, प्री कॉन्शियस। अब देखिए प्री कॉन्शियस, पीसी, अर्धचेतन, अवचेतन क्या है? ना तो चेतन है और ना ही अचेतन है, इसका कोई बड़ा पार्ट नहीं माना गया। ना तो चेतन है और ना ही अचेतन है, इसको अपन क्या बोलेंगे? अर्धचेतन अवचेतन। इसको अपन सुलभ स्मृति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुलभ स्मृति या प्राप्य स्मृति।
ठीक है। सुलभ स्मृति या प्राप्य स्मृति, मतलब कोशिश करने पे, प्रयत्न करने पे जो चीज़ें हमारे चेतन मन में आ जाती हैं वो हमारा कौन सा मन है, अर्धचेतन मन। स्पेशली साइकोलॉजिकल अपन एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें, देखिए मैं मोटिवेशनल बातें करूँ तो यहाँ पे इस पे बहुत सारा व्याख्यान मैं दे सकता हूँ अचेतन पे। यहाँ अपन एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो आपको इतना याद रखना, ना तो चेतन है ना अचेतन है। बहुत सी बार हम कोई चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ रख के भूल जाते हैं, वो सब चीज़ें वो होती हैं, वो कौन सी होती हैं, अचेतन मन में होती हैं। और जैसे हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो चीज़ें वापस हमारे चेतन मन में आ जाती हैं। इसको सुलभ स्मृति या प्राप्य स्मृति भी कहा जाता है, किसको, अर्धचेतन अवचेतन को, प्री कॉन्शियसनेस को, ठीक है। ये एक प्रकार से अचेतन का ही पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, ये अचेतन का ही एक पार्ट होता है, कौन सा, अर्धचेतन अवचेतन प्री कॉन्शियसनेस माइंड आपका, ठीक है, इसको आपको समझना था। अब देखिए तीसरे मन की ओर मैं लेके चल रहा हूँ आपको, और वो है आपका अचेतन। समझ में आ गया अचेतन क्या है? देखिए अचेतन अनकॉन्शियस, अचेतन सबसे इम्पोर्टेंट माना है फ्राइड ने, क्योंकि हमारे मन का 90% भाग, हमारे मन का 90% जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, अचेतन होता है। मस्तिष्क का 90% भाग अचेतन है। अब सोचिए 90% पार्ट अचेतन है, मतलब आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मैंने कहा ना कि जिंदगी में हर चीज़ प्राप्त नहीं होती है, बहुत सारी गलत इच्छाएं भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। आप लोगों ने बहुत सारी इच्छाएं दबाई होंगी, मुझे पता है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत वो इच्छाएं आ जाएंगी, हाँ सर दबा तो बहुत कुछ रखा है, बट करें क्या सर, परिस्थितियाँ ऐसी थी, दबाना पड़ा। तो वो परिस्थितियों की वजह से आप दबाओ, समाज की वजह से आप कोई चीज़ को दबाओ, घर वालों की वजह से कोई चीज़ को दबाओ, बहुत सारी हमारी अनैतिक इच्छाएं होती हैं। कौन सी इच्छाएं होती हैं, अनैतिक इच्छाएं होती हैं। तो वो जो अनैतिक इच्छाएं हैं जो सही नहीं है, जो कामुक इच्छाएँ हैं, ठीक है, जो यौन इच्छाएँ हैं, ठीक है, तो वो जो गलत अनैतिक कामुक असामाजिक जो इच्छाएँ हैं, जितनी भी असामाजिक इच्छाएँ होंगी, अनसोशियल जो भी हैं, ठीक है, वो सब इच्छाएं, गलत इच्छाएं, असामाजिक इच्छाएं, यौन इच्छाएं, कामुक इच्छाएं, तो उनको समाज कभी अलाउ नहीं करता है, हमारे घर वाले कभी अलाउ नहीं करते हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, ज़बरदस्ती रिप्रेशन करते हैं, सरप्रेशन करते हैं, और वो कहाँ चली जाती हैं, वो अचेतन मन में चली जाती हैं। तो इस अचेतन मन का संबंध स्पेशली किससे हैं, हमारी दमित इच्छाओं से हैं, हमारी कामुक इच्छाओं से हैं, हमारी असामाजिक इच्छाओं से हैं, हमारी यौन इच्छाओं से हैं, वो सब हमारा कौन सा मन होता है, अचेतन मन। ये कुल मन का कितना भाग होता है, 90%। आपकी जो सौपन अवस्था है उसका संबंध भी अचेतन मन से माना जाता है, ठीक है ना। सौपन पूछ लेता है कि सौपन जो लेते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें सौपन आते ही नहीं है। आपको सौपन नहीं आते, बहुत पॉजिटिव पार्ट है आपका, क्योंकि आपकी दमित इच्छा है ही नहीं। सपने उसी व्यक्ति को ज़्यादा आएंगे जो उसकी इच्छाएँ अधूरी रहती हैं, तो उन अधूरी इच्छाओं को वो सपनों के माध्यम से पूरा करता है। होता है कि नहीं होता है, रात को बड़े आनंद में रहते हो आप लोग, मतलब कहीं भी दिन में चाहे आपके पास साइकिल नहीं हो, रात को बाई फ्लाइट ही घूम रहे हैं, दिन में चाहे आपने रेट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन रात को कई चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, शपथ ले लेते हैं साहब, ठीक है, कई रात को जिला कलेक्टर बन के ऑर्डर निकाल देते हैं। तो वो जो आनंद आप लेते हो रात के, कभी पता नहीं किस किस के साथ आप घूमने चले जाते हो, जबकि उम्मीद नहीं होती उनसे मिलना भी, वो सब कौन करवा रहा है आपका, वो आपका अचेतन मन करवा रहा है। कौन करवा रहा है आपका, अचेतन मन करवा रहा है, अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सौपन से संबंध किसका है, अचेतन मन का संबंध है, ठीक है। आपकी दमित इच्छाएं, कामुक इच्छाएं, घृणित इच्छाएं जितनी भी होती हैं, वो सब कौन सी होती हैं, अचेतन मन में होती हैं, ठीक है। आप चेतना विहीन कई बार हो जाते हैं, कई बार चेतना विहीन स्थिति आ जाती है, तो ये चेतना विहीन जो स्थिति है वो भी कौन सा मन है आपका, अचेतन मन है। ये जो सम्मोहन की स्थिति है, कौन सी स्थिति है, सम्मोहन की जो स्थिति है, वो भी कहां पे आती है, अचेतन मन में आती है। कई बच्चे होते हैं, आपने देखा है कि आप में से भी कोई बच्चा होगा कि सर रात को नींद में चल पड़ते हैं, रात को नींद में बड़बड़ाते हैं, ठीक है, तो एनिस्थेसिया चेतना विहीन बोल दो आप, नींद में निंद्रा चरण जिसको बोलते हैं, रात को नींद में बच्चे चलते हैं, वो सही जगह से उठते हैं, सही जगह घूम के वापस, गलत जगह नहीं जाएगा, वो घूम के वापस सही जगह से आ जाता है, कहीं भी खड्डे में नहीं गिरता है वो, क्योंकि वो आपका अचेतन मन उसको सिग्नल देता है ऐसे ऐसे वो इच्छाएं। तो निद्रा, नींद में जो आप चलते हैं वो भी आपका कौन सा मन है, अचेतन मन। तो नींद में चलना, सौपन लेना, सम्मोहन की स्थितियां, ठीक है, एनिस्थेसिया चेतनाविहीन स्थितियां, वो सब आपके कौन से मन में रहती हैं, आपके अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में आपके रहती हैं, याद रखना। ये सबसे बड़ा पार्ट है,
ये क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, ये सबसे ताकतवर पार्ट है। मैंने कहा ना कि जो सिग्नल आपके चेतन से मिले वो जब यहाँ स्थायी हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने आप करते हैं, उनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, वो ताकतें यहाँ से पैदा होती हैं, याद रखना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आती है वो यहाँ पर आती है चेतन मन में, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ पर आती है, ठीक है। आदतें जितनी भी होती हैं आपकी, हैबिट जो भी होती हैं, वो सब कहाँ पर होती हैं, आपके सबकॉन्शियस या अचेतन मन में होती हैं। आदतें मतलब अचेतन मन, इसी का सबकॉन्शियस इसी का पार्ट, याद रखना। से साइकोलॉजिकल जब मोटिवेशन की बात करते हैं तो आदतें सबकॉन्शियस इसी का पार्ट हो जाती हैं। आदतें आपकी जो इमोशंस, भावात्मक इश्यू हैं, ठीक है ना, किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह आपने बना रखा है या भावात्मक रूप से कोई से जुड़ाव है, वो भी यहाँ पे आता है, ठीक है। इमेजिनेशन करना, इमेजिनेशन भी जो होती है वो किससे संबंधित होती है, अचेतन मन से संबंधित होती है। तो इमेजिनेशन आप करते हैं, आदतें आपकी हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी हैं, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं आपकी, वो सब कहाँ पर आती हैं, अचेतन मन में। शॉर्ट में समझना है चेतन, अचेतन, अवचेतन। एग्जाम के अकॉर्डिंग केवल तीन बातें समझनी है। चेतन क्या है, जिसका संबंध वर्तमान वास्तविकता, जिसको प्रयास नहीं करना पड़ता, वो चीज़ें चेतन मन में तुरंत आ जाती हैं, ठीक है। इसका संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक इच्छाओं से होता है, याद रखना, ठीक है। कुल मन का 10% भाग होता है, और जो समुद्र में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, उन्होंने क्या कहा कि जो बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है उसका जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर से, क्योंकि ये समुद्र है, ठीक है। अब इस समुद्र में बहुत सारा पानी है, ठीक है, समुद्र में क्या है, बहुत सारा पानी है। अब इस पानी में क्या होता है कि जैसे कि ये समुद्र है, मान लीजिए ये पानी है, ठीक है, और इस पानी में ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक हिमखंड है, ठीक है, ये हिमखंड है, ठीक है। अब ये जो हिमखंड है, इसका जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसका जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, ये आपका कौन सा मन है, ये आपका चेतन मन है। कौन सा मन है, चेतन मन। जैसा दिखता है वैसा इंसान अंदर से होता नहीं, अंदर उसके पता नहीं बहुत सारे तूफान होते हैं, याद रखना, बहुत सारे विचार इच्छाएँ होती हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड है, इसका संबंध वर्तमान और वास्तविकता से, याद रखना। जो हम चीज़ें देखते हैं, जो हम सिग्नल सामने से प्राप्त करते हैं, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड में है। फिर नीचे जो आ गया वो सब क्या आ गया, अचेतन आ गया, आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों इसमें आ जाते हैं, याद रखना। तो इसमें हमारी आदतें हैं, हमारे भावनात्मक इश्यू जितने भी हैं, हमारी दमित, कामुक, अनैतिक, घृणित इच्छाएं जितनी भी हैं, हमारी स्वप्न संबंधी सब, निंद्रा, नींद में चलना, ये सब इसमें आ जाती हैं। यहां जो चीजें बन जाती हैं वो एक प्रकार से स्थायी हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं, और वो समय समय पर हमारे व्यवहार और व्यक्तित्व प्रभावित करती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, आकारात्मक मॉडल। ये कौन सा मॉडल है, ये आकारात्मक मॉडल है। उम्मीद है कि आपको ये आकारात्मक मॉडल समझ में आया होगा। ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो होता है वो गत्यात्म मॉडल। तो अभी अपन चर्चा करेंगे किसकी, गत्यात्म मॉडल की।